अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोजीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, ये तमाम तरह डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि पूरे पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली जॉब अपडेट्स और एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं जी। तो पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट स्टाफ जो रिक्वायर्ड है वो मरी के लिए है, यानी कि ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये मरी में अनाउंस की गई हैं, ठीक है। कौन सी पोजिशन हैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंप्यूटर टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर की पोजिशन है, जिसका स्केल 11 है। बी कॉम, डी कॉम, डी ए ई, कंप्यूटर साइंस सेकेंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 20 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 11 पोजीशन हैं। उसके बाद इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EMT कहते हैं, 11वां स्केल है। नर्सिंग और पैरामेडिकल डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 30 साल, 17 पोजीशन हैं। उसके बाद फायर रेस्क्यूअर्स, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में FDR कहते हैं, 11 स्केल है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स माइनिंग मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल टेली कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। और स्विमर जो होंगे, जिनको स्विमिंग आती होगी, उनको तरजीह दी जाएगी, 20 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 12 पोजीशंस हैं। रेस्क्यू ड्राइवर है, LTV, चौथा स्केल है। मैट्रिक विद LTV और HTV लाइसेंस, 20 से 30 साल वाले, और 13 पोजीशंस हैं। सेंट्री वर्कर है जी, शॉर्ट फॉर्म में SW, पहला स्केल है। उन्होंने कहा पढ़े लिखों को तरजीह देंगे, 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 4 पोजीशंस हैं। सिक्योरिटी गार्ड है, शॉर्ट फॉर्म में SG, पहला स्केल है। जो एक्स आर्मी पर्सनल विद मिनिमम हाइट 5 फीट 8 इंच, ठीक है, पढ़े लिखे को तरजीह दी जाएगी। और साथ में 30 से 50 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 7 पोजीशंस हैं, और इसमें आर्मी रिटायर्ड ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर ये तमाम पोजीशंस हैं जो कि इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट मरी में अनाउंस की गई हैं, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, या अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 15 अगस्त 2022 है। PTS यानी कि पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू अप्लाई किया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। सिंपल, आप अपने PC या मोबाइल के ब्राउजर में जाएंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे pts.org.pk, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। सिंपल आपने ऑल जॉब्स के ऊपर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहली पोजीशन होगी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट मरी के अंदर, इसको आप क्लिक करोगे। यहाँ पे देखें, ये एडवर्टाइजमेंट नीचे वाला है, यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। बैक पे जाके जो फर्स्ट अप्लाइंग लिंक है, यहाँ पर आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई हियर, सिंपल अप्लाई। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि PTS कह रहा है कि आप जो है वो बजरिया डाक या बाई हैंड जो है वो पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई होगा या फिर आपकी एप्लीकेशन, पहले तो बात ये तो कंफर्म है ना कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसके ऊपर मेंशन होगा कि इसके लिए आपने बजरिया डाक भी इसको डॉक्यूमेंट को भेजना है या नहीं भेजना। एडवर्टाइजमेंट पर चलता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, PTS विल नॉट एक्सेप्ट फॉर्म बाई हैंड। यहाँ पे जी रिटर्न, ये सारा ओनली कैंडिडेट्स रिटर्न, ठीक है, कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, बजरिया डाक आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। अब ये आपके पास लॉगिन पेज आ गया है, आपने क्या करना है, रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ पे फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC नंबर, फिर अगेन रीटाइप करना है CNIC, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, साइन अप हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से साइन इन वाला पेज आ जाएगा, आपने अपना CNIC नंबर, पासवर्ड लिखना, लॉगिन कर देना है। आपके सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है किस पोजीशन पर अप्लाई करना है, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशन रिकॉर्ड ऐड करना है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो ऐड करना है, फाइनल। और इसके बाद जो है वो इसकी कुछ फ़ी भी होगी। फ़ी कितनी होगी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, अगर यहाँ पर मेंशन किया गया है तो वो मैं शेयर कर देता हूँ, अदरवाइज आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ चालान होगा, वहाँ पर मेंशन होगा। इसकी फ़ी ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 300 रुपये तक इसकी फ़ी होगी पर पोस्ट, ठीक हो गया। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अगस्त 2022 है। इसके रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी आने वाली जॉब अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।